जदयू संगठन को धारदार एवं मजबूत बनाने को लेकर बरारी विधायक विजय सिंह के आवास पर युवा जदयू की एक हाई लेवल बैठक की गई। बैठक में जहां युवा जदयू कमेटी का विस्तार किया गया, वहीं संगठन को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की बात कही गई। साथ ही कोविड काल के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए, जबकि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की वर्चुअल मीटिंग की जाएगी, जिसे सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। जबकि जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व खाद निगम आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद सलाम की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बैठक में बरारी विधायक विजय सिंह के अलावा जिला अध्यक्ष समीम इकबाल, युवा अध्यक्ष रोशन मंडल सहित तमाम नेता मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। युवा जदयू के नए कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें प्रभारी को भी नियुक्त किया गया है और सभी प्रखंड अध्यक्ष को, पंचायत प्रखंड अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। इन सबों को एक जवाबदेही हम लोगों ने दिया है कि कल जो वर्चुअल सम्मेलन फेसबुक के माध्यम से सब जुटेंगे और कोरोना काल के 3 फेस में जो कैसे इससे बचा जाए, कोरोना वैक्सीन कैसे लिया जाए, इन सबको पूरी जवाबदेही के साथ पंचायत बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए हम लोगों ने इन लोगों से आग्रह किया है। वैसे तो हमारे विधायक जी ने बहुत विस्तार रूप से बता दिया है आप लोगों को, लेकिन हम पुनः अपने जो आज नव नियुक्त हुए हैं इन लोगों को पूरी जवाबदेही के साथ कि इस कोरोना काल में जो पार्टी की तरफ से सारा काम चलाया जा रहा है उसको अच्छे से चलाएं और उसकी सूचना बूथ स्तर पे सभी लोग को दें। शुक्रिया। बैठक के क्या उद्देश्य आज के इस बैठक का उद्देश्य है कि हम लोगों ने कमेटी का विस्तार करते हुए हमारे 7 विधानसभा में विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है और 16 प्रखंड अध्यक्ष का मनोनयन पत्र दिया गया है। हमारे इस बैठक का एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि हम कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामचंद्र बाबू जी के द्वारा वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस वर्चुअल मीटिंग से हमारे युवा साथी बूथ स्तर तक सीधे लाइव जुड़ेंगे, उनसे उनकी बातों को सुनेंगे और लाइव देखेंगे। वर्चुअल सम्मेलन के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। ये सम्मेलन कोरोना काल को देखते हुए ही रखा गया है, क्योंकि विगत कोरोना काल में हमारी सरकार की क्या उपलब्धि रही है, हमारी सरकार ने आम जन के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ की जाएंगी। जो हमारे कार्यकर्ता अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों को सरकार की उपलब्धि को गिना सकें और बता सकें। युवा जनता दल यू के पार्टी के जो जिला अध्यक्ष रोशन कुमार मंडल जी के नेतृत्व में 7 विधानसभा प्रभारी प्रतिनिधित्व किए गए और 16 प्रखंड में नए युवा अध्यक्ष जनता दल यू को भी मनोनीत उन्होंने किया है। इस प्रोग्राम में हम लोगों के पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष समीम इकबाल साहब उपस्थित हैं, सतीश ठाकुर जी उपस्थित हैं, राजकुमार जी गुप्ता जी उपस्थित हैं, मुजीब रहमान उपस्थित जी हैं, अभिषेक जी हैं, निरंजन ओदार जी हैं और पार्टी के सभी मानने और चाहने वाले लोग भी उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में पूरे जिले का संगठन कैसे युवा संगठन कैसे मजबूत हो, चूँकि पार्टी के सभी प्रकोष्ठों का अलग अलग काम है और ये युवा प्रकोष्ठ है, तो आज 7 विधानसभा में युवा जो विधानसभा प्रभारी मनोनीत किया गया है और प्रखंड युवा मनोनीत किया गया है, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कैसे संगठन मजबूत हो इनका दायित्व दिया गया है, आने वाला दिन इनसे आग्रह किया गया हमारे सभी प्रखंड के अध्यक्ष युवा अध्यक्ष से कि यह कोरोना काल में माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है वह दूर गाँव तक का ये मैसेज पहुँचाने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ ही साथ जो वैक्सीन अभी जो वैक्सीनेशन काम हो रहा है तो इसमें लोगों को हम लोग प्रेरित करने के लिए भी आग्रह किया है कि आप अपने वार्डों में, अपने टोलों में, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में जा करके जितने युवा अध्यक्ष हैं आप जाएं और उनको प्रेरित करें कि आप यह वैक्सीन लीजिए, क्योंकि लोगों को कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया है। वैसे जो कुछ लोग व्हाट्सएप फेसबुक से यूनिवर्सिटी किए हुए हैं तो ऐसे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं,
लेकिन कोई घटना दुर्घटना कोई सामने है नहीं, लेकिन प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा कोई जेन्युइन घटना नहीं है। तो हम अपने सभी तमाम कार्यकर्ता अपने भाइयों से युवा अध्यक्ष से ये आग्रह करना किए हैं, हम लोगों ने किया है मंच के माध्यम से कि अपने गांव में जा करके उससे प्रेरित करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग युवा लोग अधिक से अधिक लोग इसको वैक्सीन ले, ताकि आने वैक्सीन लेने से कोई घटना दुर्घटना नहीं। इसीलिए आज ये बैठक की गई है, खासकर कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP बाबू का पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में कल वर्चुअल सम्मेलन मीटिंग होने वाली है, उनका भी हम लोगों ने आग्रह किया है कल लिंक से जुड़े ताकि जो उनका जो दिशा निर्देश हो उस दिशा निर्देश पर हम लोग अपने टोलों में मोहल्लों में अपने वार्डों में अपने गाँव में अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम करेंगे ताकि जो ये लोग ये जो हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है ये सरकार जो काम कर रही है हम उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे।